इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये हमने 1 kg चिकन लिया है, 1 आपको पुदीने की गड्डी चाहिए होगी, 1 आपको धनिया की गड्डी चाहिए होगी, हमें येलो फ्रूट कलर चाहिए होगा, हमने 1 गार्लिक का पूरा क्लोव लिया था और 1 जिंजर का छोटा सा पीस लिया था, उसको हमने पेस्ट बना लिया है, हमने 1/2 cup योगर्ट लिए, 3 से 4 बे लीफ के पत्ते लेने हैं, हमें 1 tablespoon साबुत जीरा लेना है, 5 हमें दालचीनी लेनी है, 10 से 12 हमें बदियान के फूल चाहिए, साबुत हमें काली मिर्च चाहिए 10 से 12, 1 हमें जावित्री चाहिए इतनी सी, आलू बुखारे हमें 5 चाहिए, छोटी इलायची हमें 6 से 7 चाहिए, 5 हमें लौंग चाहिए, 1 teaspoon हमें व्हाइट पेपर चाहिए, 1 tablespoon हमें चिल्ली पाउडर चाहिए, 1 teaspoon हमें धनिया पाउडर चाहिए, 1 teaspoon हमें गरम मसाला चाहिए, 1 pinch हमें हल्दी चाहिए, सॉल्ट हसबे का चाहिए, 1 teaspoon हमें ब्लैक पेपर चाहिए, जीरा पाउडर हमें 1 tablespoon चाहिए, चिली फ्लेक्स हमें 1 teaspoon चाहिए, हमें 2 tablespoon गार्लिक और जिंजर पेस्ट डालेंगे हम लोग, योगर्ट के भी हम लोग 2 tablespoon डालेंगे और ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मैरिनेट कर लेंगे। इसमें हम लोग जर्दा कलर डालेंगे, इतना सा जर्दा कलर 1 teaspoon होगा, ये डाल देंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। 30 minutes के लिए इसको इस तरह से मैरिनेट होने के लिए हम लोग साइड में रख देंगे। सबसे पहले एक पतीली चाहिए होगी, उसमें हम लोग सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। इसमें हमने 1/4 cup ऑयल डाला है इसमें। अब हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसको धीमी आंच में इस तरह से हम लोग भून लेंगे। हमने लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम लोग योगर्ट ऐड कर देंगे इसमें। अब हम लोग योगर्ट को भी अच्छी तरीके से मसाले में भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और हमारे चिकन को अच्छी तरीके से 30 minutes पूरे हो गए हैं। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे गोश्त को अच्छी तरीके से हम लोग भून लेंगे। अब सारा गर्म मसाला ऐड कर देंगे और आलू बखारा भी ऐड कर देंगे इसमें। इसको तेज आंच पे हम लोग 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा चिकन अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम लोग राइस बनाने की तरफ जाएंगे। 1 liter पानी लिया है, उसमें हमने 1 tablespoon सॉल्ट डाल दिया है। ये 1 kg राइस लिया था, ये डाल देंगे हम लोग इसमें। फ्लेम पे राइस को उबलने के लिए रख दिया है। अब राइस 90% कुक हो जाए तो हम लोग फ्लेम को बंद करके पानी ड्रेन कर लेंगे। राइस हमारा कुक हो चुका है 90%। धनिया के पत्तों को चॉप कर लिया था और पुदीने के पत्तों को हम लोगों ने तोड़ लिया था। आप पानी को ड्रेन भी कर सकते हैं और एक चमचे से आप बड़े से चमचे से आप इस तरह से उठाइए चावल को, पानी गिरने दीजिए और इस तरह से बैन के को पतली को चलाते चलाते इस तरह से डाल सकते हैं हम लोग। सर्दा का कलर बनाने के हम लोग सबसे पहले 2 tablespoon एरो फ्रूट डाल लेंगे। केवरा एसेंस है, ये डाल देंगे हम लोग 3 tablespoon। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग राइस के ऊपर ये डाल देंगे। अब हम इसको कवर करके धीमी आंच पे इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो ये हो गए भाई हम लोग की बलूची बिरयानी तैयार। हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दोनों को जाकर फॉलो कर लें। लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नए वीडियोज़ की आप लोग तक अपडेट आ सकें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।